हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अपनी कार्यशैली के चलते जितने सख्त दिखाई देते हैं उतने ही ज्यादा अपने कर्मचारियों के लिए वे नरम भी हैं। हाल ही में पानीपत के सिटी थाना में छापेमारी के दौरान अनिल विज ने गैर हाजिर मिली महिला एसआई को सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी ने मंत्री अनिल विज को पत्र लिखकर गैर हाजिरी का कारण बताया था, जिसमें महिला पुलिसकर्मी ने पुलिस स्टेशन में महिला शौचालय न होने की बात कही थी, जिसके बाद विज ने महिला पुलिसकर्मी के सस्पेंशन ऑर्डर वापस लेकर उन्हें बहाल कर दिया है। मामले को लेकर जब गृह मंत्री अनिल विज से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि महिला पुलिसकर्मियों की इस समस्या को देखते हुए अब प्रदेश भर में सभी पुलिस चौकियों और थानों में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय बनाने के आदेश दे दिए गए हैं और सस्पेंड की गई एसआई को भी बहाल कर दिया गया है। गृह मंत्री अनिल विज के ये आदेश सुनने के बाद अंबाला में महिला पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली है। मैंने कहा है कि सभी थानों में महिलाओं के लिए शौचालय बनाए जाने चाहिए, खाली महिला कर्मचारियों के लिए नहीं, महिलाएं शिकायत करने भी आती हैं तो सब जगह बनाए जाने चाहिए। सर बिल्कुल सही कहा मंत्री जी ने, जैसे कि हम पहले थानों में और चौकियों में जाते थे, जेंट्स थाने थे, महिला थाना तो अभी बना है 2-4 साल से, तो हमें वहाँ पे वॉशरूम वगैरह की बहुत प्रॉब्लम होती थी, केस के मामले में जाते थे, तो जैसे अभी मंत्री जी ने बना दिए हैं वॉशरूम तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें दिक्कत की नहीं सामना करना पड़ेगा और हम आराम से जा सकेंगे कम्फर्टेबल होकर आराम से।